हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो या फिर ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो आपको करने चाहिए बीए के साथ या बीए के बाद जो बैचलर्स ऑफ आर्ट कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनसे उनका करियर एक अच्छी सैलरी वाले ऑप्शंस पे मतलब जॉब्स पे या फिर एक अच्छे प्रॉफिट वाले बिजनेस की तरफ जा सकता है और वो वहाँ पर ऑलमोस्ट अगर वो बीए के अकॉर्डिंग एक अकेली जॉब सिर्फ बीए पे अगर वो जॉब करने जाते हैं उससे ऑलमोस्ट डबल उनकी सैलरी हो जाएगी अगर जो कोर्सेज मैं आज उनको बताने वाला हूँ वो कोर्सेज वो करते हैं और वो कोर्सेज वो सबसे अच्छी बात है कि बीए के साथ भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज दूसरे स्पीकर आपको बताएंगे जो कि आप बीए के बाद करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी या फिर ज़्यादा अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो। लेकिन आज मैं जो कोर्सेज करने वाला हूँ बताने वाला हूँ उनमें से मैक्सिमम कोर्सेज वो हैं जो आप बीए के साथ कर सकते हैं और बीए के साथ करने के साथ साथ 3 साल के अंदर ही आप उनमें से ना सिर्फ एक या फिर 2-3 कोर्सेज भी कर सकते हैं क्योंकि उन कोर्सेज को करने से जैसे अगर आप 2-3 कोर्सेज करते हैं और बीए के साथ करते हैं तो 3 साल तो आपके वैसे भी गुजरने हैं वैसे भी निकल जाएंगे 3 साल, लेकिन 3 साल में वो साल गुजरने के साथ आप 3 या 4 कोर्सेज और करके अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर और एक इंजीनियर इवन इंजीनियर्स के करियर से ज़्यादा बेटर आप बना सकते हो क्योंकि जो मैं आपको कोर्सेज बताने वाला हूँ वो सारे प्रैक्टिकल हैं, वो जॉब्स में बिजनेस में हर एक जगह पर आपको काम आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोर्सेज के साथ। जो फर्स्ट कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है एयर हॉस्टेस। अब वो लड़कियाँ या फिर वो जो भी गर्ल्स हैं कॉलेज में उनको जिनको इंटरेस्ट है एयर हॉस्टेस के फील्ड में मतलब वो हाई सैलरी चाहती हैं और हाई वो उनको चाहिए कि उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो स्टैंडर्ड हो लाइफस्टाइल का और वो अपनी फिटनेस पे ध्यान रखती हैं तो उनके लिए ये कोर्स सबसे अच्छा है बीए के साथ साथ। आप बीए कीजिए अगर आप एक ऐसी सिटी में रहते हैं एक अच्छी सिटी में आप बीए करते हैं जहाँ पे आपको एयर होस्टेस के ऑप्शंस मिलते हैं कि आप एयर होस्टेस का कोर्स भी कर सकते हैं तो ज़रूर ऑप्ट कीजिए इसको बीए के साथ या बीए के बाद वो आपकी चॉइस है। लेकिन बीए करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा कोर्सेज या एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो ये कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है उन गर्ल्स के लिए जो कि एक हाई सैलरी वाली जॉब चाहती हैं और जहाँ पर वो काफ़ी अच्छी सैलरी अक्वायर कर सके और अपने स्टैंडर्ड की लाइफ जी सके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एयर हॉस्टेस। लेकिन हर एक लड़की के लिए एयर हॉस्टेस की फीस अफोर्ड करना या एयर हॉस्टेस बनने का सपना शायद नहीं होता है तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन दैट आई कैन गिव यू दैट इज फैशन डिजाइनिंग। अब फैशन डिजाइनिंग में मैक्सिमम लड़कियां होती है उनका ऑलमोस्ट इंटरेस्ट होता है कि वो फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाएं। अब जब उनका इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग की तरफ तो अब वो एक प्रोफेशनल कोर्स करके क्यों ना प्रोफेशनली उस कोर्स को ऑप्ट करें या फिर प्रोफेशनली उस काम को करें एज कम्पेयर टू वो नॉर्मली आपने बिना प्रोफेशनली उस काम को करें और ज़्यादा अच्छे से ना कर पाएं। तो आपको क्या करना है एक फैशन डिजाइनिंग बिकॉज ये मैंने देखा है कि एक छोटे टाउन में भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं और आराम से कोई भी लड़की अगर करना चाहे इवन लड़का कोई करना चाहे तो इन कोर्सेज को कर सकते हैं और बीए के साथ वो 2-3 घंटे बीए की क्लासेस लगाने के बाद अपने 3-5 घंटे इन चीज़ों पे लगा सकते हैं ताकि जैसे ही उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो वो फैशन डिजाइनिंग के थ्रू किसी अच्छी जगह पर या फिर किसी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके जहाँ पर वो बहुत सारे पैसे अर्न कर सके और अपनी लाइफ को स्टेबल बना सके। ओके अब देखिए बीए करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको अगर गवर्नमेंट टेस्ट भी देने हैं तो ग्रेजुएशन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक गवर्नमेंट टेस्ट की ग्रेजुएशन होना चाहिए मैक्सिमम सभी टेस्ट को वो फिल कर सकते हैं फाइन फर्स्ट एडवांटेज। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम के साथ साथ वो अगर कोई और कोर्सेज भी साथ में करते हैं दैट इज वेल एंड गुड क्योंकि उन कोर्सेज से उनको और ज़्यादा बेनिफिट होगा कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाए तो उनके पास प्राइवेट जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं राइट। सो चलिए अगले करियर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड करियर ऑप्शन इज वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स और वीडियो एडिटर का कोर्स एक शॉर्ट कोर्स होता है मतलब 1 साल के अंदर वो कोई अच्छा कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो तो अगर उस कोर्स को आप कंप्लीट करते हो तो हर एक जगह पर आज के टाइम पे हर एक का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए उनको वीडियो डिज़ाइनर रखना पड़ता है या ग्राफिक डिज़ाइनर रखना पड़ता है जो भी अच्छी कंपनीज है वहाँ पे। तो अगर आप बीए के साथ साथ ये कोर्स कर रहे हो तो एक ये प्रैक्टिकल कोर्स है और इस कोर्स को करने से आपको बहुत इजीली कहीं पे जॉब मिल सकती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट बिकॉज सिर्फ बीए के बेसिस पे अगर आप जॉब लेने जाते हो तो जितनी सैलरी आपको मिलेगी उससे डबल सैलरी मिलेगी अगर आपको ये स्किल्स आती है और इस फील्ड में
आप जॉब एक्वायर करते हैं। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जर्नलिज्म। अब जर्नलिज्म एक ऑप्शन है और सभी लोगों ने सोचा होता है जो बीए में जाते हैं, लेकिन वो उसको परस्यू नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने साथ में कोई प्रोफेशनल जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया होता है। आई टोटली रिकमेंड यू, अगर आपका पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है, आप लोगों के सामने जाके बात कर पाते हो, आप कॉन्फिडेंटली अपनी बातें कह पाते हो लोगों के सामने, डेफिनेटली गो फॉर दिस कोर्स जर्नलिज्म। क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी ग्रोथ है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़पेपर स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ पे उनको जर्नलिस्ट की ज़रूरत रहती है, जो कॉन्फिडेंटली किसी से बात कर पाए, ये कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज ले सके। तो अगर आप वो इंसान हो जो डेक्लामेशन में, स्पीच में कॉन्टेस्ट करते हो जब आप अपने कॉलेज में हो, तो आपको जर्नलिज्म का कोर्स साथ में या फिर कॉलेज के बाद ज़रूर लेना चाहिए। ये आपको एक ऐसी फील्ड में लेके जाएगा जहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है और आपकी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इवन आप अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने जर्नलिज्म किया है, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली अपनी बातें कह सकते हो, राइट? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज टीचिंग। अब टीचिंग इज़ वन ऑफ द प्रोफेशन जो बहुत कॉमन माना जाता है, लेकिन टीचिंग को मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो मैंने ये चीज़ें आपको बताई, वेदर फैशन डिजाइनिंग, वेदर वीडियो एडिटिंग, वेदर जर्नलिज्म, या फिर कोई भी एक एक्स्ट्रा कोर्स करके आप उसकी टीचिंग में जाइए। क्योंकि आप सिंपल बीए करके अगर टीचिंग में जाते हो किसी एक सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, सोशल साइंस और किसी भी सब्जेक्ट में आप टीचिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा। लेकिन अगर बीए करने के बाद कोई ऐसा कोर्स साथ में करते हो, मतलब अब और अगर आपको टीचिंग में जाना है स्कूल या कॉलेजेस में, तो आपको बीएड, एमएड और टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आप जा पाओगे। लेकिन बीए के साथ साथ कोई कोर्स, जैसे कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जैसे कि आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स, कोई भी कोर्स कर सकते हो, और अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसी फील्ड में आप टीच कराना शुरू कीजिए। वहाँ पे आपको ना तो बैचलर ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत है, ना तो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत है, ना कोई टेस्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। उससे आपका टाइम भी बचता है, आपका ड्यूरेशन भी बचता है। जो इतना टाइम, सारा टाइम आप लगाओगे बीए करने के बाद, आप जो कोर्सेज करोगे टीचिंग के लिए, उनमें टाइम बचेगा और आप ऐसे फील्ड में होंगे जहाँ पे बहुत कम लोग ऑप्शंस में हैं और बहुत कम लोग का कॉम्पिटिशन है, और वहाँ पे बहुत अच्छे से आप अपने करियर को सेट कर सकते हो। और साथ में आपको लर्निंग जो मिलेगी प्रैक्टिकल चीज़ की, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। उससे आप साथ में पार्ट टाइम चीज़ें भी स्टार्ट कर सकते हो टीचिंग के साथ, राइट? दैट इज माय नेक्स्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज एमबीए। ये बिल्कुल न्यू और ट्रेंड में कोर्स है जो कि लोग बीए के बाद कर रहे हैं। बीए के बाद लोग एमए के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पता है कि हमें थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं। लेकिन अगर एमबीए की तरफ जाते हैं, एक अच्छा टेस्ट क्लियर करके एमबीए में एडमिशन लेते हैं एक अच्छे कॉलेज में, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बीए के लोग ऑटोमेटिकली थोड़े क्रिएटिव होते हैं, आर्ट में उनका इंटरेस्ट होता है तो थोड़े क्रिएटिव होते हैं, तो उनको बहुत अच्छा ये ऑप्शन रहता है कि वो एमबीए की तरफ जाएं, और एमबीए में करने के बाद वो मैनेजमेंट चूज़ करें, या फिर वो मैनेजमेंट ना चूज़ करके वो कोई भी और चीज़ जैसे सेल्स या मार्केटिंग चूज़ करें, लेकिन वो एमबीए की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा फोकस से उन चीज़ों को कर पाते हैं। क्योंकि एमबीए एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों के होने के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी का भी टेस्ट होता है, और क्रिएटिविटी अगर आपकी अच्छी है तो आपको डेफिनेटली एमबीए की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन पे आता है, नेक्स्ट इसमें गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत अच्छे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, तभी मैं इसको लिस्ट में बहुत नीचे लेके आया हूँ। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, और ऐसा नहीं है कि जो मैंने पहले नंबर पे बताया वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके इंटरेस्ट है उनके अकॉर्डिंग मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। अब अगर आप जर्नलिज्म में जाते हो, वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, इवन आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो बीए स्टार्ट होने से पहले, मतलब फर्स्ट ईयर में ही आप साथ में प्रेपरेशन करना शुरू कीजिए, साथ में कोचिंग लेना शुरू कीजिए, ताकि जब आप कोचिंग लेके अच्छे से एक तैयारी हो जाएगी आपकी, आप अच्छे से कर पाओगे, तो जैसे ही बीए खत्म होगा वैसे ही आप एग्ज़ाम देके अच्छा से कोई एग्ज़ाम क्लियर करके आप एसएससी, सीजीएल, जो भी एग्ज़ाम है आपके दिमाग में, आईएएस, आईपीएस, जो भी एग्ज़ाम है उनको क्लियर करने के ज़्यादा चांसेस आपके हो जाएंगे अगर आप बीए के स्टार्टिंग से ही करने लगोगे। बिकॉज आपके पास ऊपर स्टडी का प्रेशर कम है, तो आप ईजिली किसी और कोर्स के लिए कर सकते हो अप्लाई, और कोर्स के लिए अप्लाई करने से बेटर अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिले, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली एक गवर्नमेंट टेस्ट दे सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो और गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो, राइट? अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई साथ में कोई ना कोई अर्निंग सोर्स, सेकेंड अर्निंग सोर्स हमेशा रखिए। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते आप कि सिर्फ एक ही अर्निंग सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर सिर्फ वही चीज़ करें, यू कांट डू दैट।
आपको कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत कम है, तो आपके पास हमेशा एक सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो मैं इस फील्ड में जाके चीज़ें कर सकता हूँ. ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट. नेक्स्ट ऑप्शन दैट आई कैन गिव यू इज पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द पार्ट जो बीए में जैसे आप जाते हैं या किसी भी कॉलेज में जाते हैं, तो अगर आपका पीपल के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है, लोगों के साथ आप कम्युनिकेट अच्छा कर पाते हो, आप लोगों को डील कर पाते हो, अच्छे से लीड कर पाते हो, तो आपके लिए पॉलिटिक्स वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है करियर अपॉर्चुनिटी. बिकॉज अभी यंग लोग काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में आना शुरू हो चुके, तो अगर आपका पीपल बेस अच्छा है, आप लोगों के स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाते हो, तो आपको पॉलिटिक्स में ज़रूर जाना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो. अदरवाइज यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस एज वेल. नाउ कमिंग टू द लास्ट, और जो मैं लास्ट आपको बताने वाला हूँ कोर्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो करने पे आपकी जितनी भी मैंने पीछे चीज़ें बोली इन सभी में आपकी हेल्प होगी. मतलब ये सभी चीज़ें आपको बेनिफिट तब करेंगी जब आप ये वाला कोर्स करते हो, और वो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, चाहे आप जर्नलिज्म की बात करो, चाहे आप टीचिंग की बात करो, चाहे आप किसी एमबीए में जाने की बात करो, चाहे आप पॉलिटिक्स की बात करो, चाहे फैशन डिजाइनिंग, एयर हॉस्टेस, हर एक चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो टीचिंग में भी उस टीचर को डबल सैलरी मिलती है जिसकी इंग्लिश अच्छी है. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो एमबीए में आपको जॉब्स में ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलेगा डेफिनेटली, बिकॉज आपकी इंटरव्यू स्किल्स भी अच्छी होंगी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, टीचिंग, पॉलिटिक्स, हर एक चीज में आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और ज्यादा आपका ग्रिप होगा. तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जरूर करना चाहिए अपने कॉलेज के साथ, बिकॉज वो एक ऐसा कोर्स है जो एवरग्रीन और हर फील्ड में आपके काम आने वाला कोर्स है, उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको डेफिनेटली करना चाहिए. एंड सेकेंड, जो नंबर्स आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये हमारे नंबर्स हैं. हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, आपके इंटरव्यू स्किल्स के लिए, प्रेजेंटेशन, कोई टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपकी पूरी प्रेपरेशन हम करवाते हैं, और आपको इंग्लिश सिखाने की गारंटी हमारी होती है. हम 100% गारंटी लेते हैं अगर आप रेगुलर क्लास लगाते हो, और सेकेंड, अगर आप डेली जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो कंप्लीट करते हो, हमारी 100% गारंटी है कि हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे और आप अच्छे से स्पीक कर पाओगे, कोई भी इंटरव्यू या कोई भी चीज़ आप क्लियर आसानी से कर पाओगे. और अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल होते हो, कोर्सेज में फीस बहुत नॉमिनल है, बहुत हर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली और इवन बीपीएल वाली फैमिली के लोग भी बहुत आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी हमारी अफोर्डेबल फीस है, और आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट होगा. अगर बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, अपर बेसिक से, मीडियम से, आप कर सकते हो. जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर भी है आपका, आप इस पर कॉल कर सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी है इस, आप मुझे इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप मुझे बता सकते हो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हो. दो क्लासेस स्टार्टिंग ही, दो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हर एक स्टूडेंट के लिए, तो दो क्लासेस अटेंड कीजिए. देखिए यूट्यूब चैनल पे जाइए, इस चैनल पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेगी जो इंग्लिश स्पीकिंग की मिलेगी, आई होप ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगी. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बिकॉज एजुकेशन से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर करते हैं. और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बीए कर रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ जो बीए कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी इतने सारे बीए के बाद या बीए के साथ करने वाले ऑप्शंस का आइडिया हो. सो आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन. टिल द नेक्स्ट वीडियो, होप टू सी यू सून.